दोस्तों आज मैं आपको सुबह सुबह बताने वाली हूँ माघ मास में स्नान के क्या नियम होते हैं। माघ के महीने में जो भी मेरे भाई बहन स्नान करना चाहते हैं वो किस तरह से इस स्नान को करके पूरे पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, जो भी उनके जीवन में दुख परेशानियाँ हैं उनको दूर कर सकते हैं। माघ मास में स्नान के क्या नियम हैं, इसे किस तरह किया जाना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में माता रानी का जयकारा लगाइए, जय माता रानी लिखिए। आप सभी के इष्ट गुरुदेव भगवान माता पिता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बने हुए घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। निःशुल्क है, फ्री है दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो इसे लाइक जरूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों माघ मास आने वाला है, माघ के महीने में स्नान का, कार्तिक के महीने में स्नान का और बैसाख के महीने में स्नान का विशेष महत्व होता है, ऐसा नारद पुराण में बताया गया है। माघ के महीने में स्नान किस प्रकार किया जाए, सबसे पहली बात आती है दोस्तों ये स्नान आप कब से शुरू कर सकते हैं, इसके लिए तीन नियम बताए गए हैं। पहला, यदि आप संक्रांति से स्नान शुरू कर रहे हैं तो आप अगली संक्रांति तक इस स्नान को कर सकते हैं। जैसे जो मेरे भाई बहन मकर संक्रांति यानी जिस दिन से कुंभ मेला प्रारंभ हुआ था तब से अगर स्नान कर रहे हैं तो वो अगली संक्रांति यानी कुंभ संक्रांति तक इस स्नान को कर सकते हैं। ये एक माह का माघ माह का स्नान कहलाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने एकादशी से इस स्नान को प्रारंभ करा है वो अगली एकादशी यानी अभी जो पुत्रदा एकादशी गई है इसके बाद भीष्म एकादशी तक अगर इस स्नान को करते हैं तो ये भी माघ माह का स्नान कहलाता है। और सबसे आखिर में जो कि हम सभी नियम मानते हैं, पौषी पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक के एक माह के स्नान को भी माघी माह का स्नान कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया समय जिस समय में आपको स्नान करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ज़्यादातर जो भी मेरे भाई बहन हैं वह पौषी पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक माघ माह के स्नान का नियम का पालन करेंगे। अब दोस्तों इस स्नान में सबसे पहला नियम यह है कि आपको सुबह जल्दी उठ के सूर्य उदय के समय पर स्नान करना चाहिए। सूर्य उदय के समय पर स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, ऐसा ब्रह्मादि पुराण में कहा गया है। स्नान कालस्य सूर्य उदय, यानी आपको स्नान कब करना है, जबकि सूर्य का उदय हो रहा है। इसके अलावा जैसे जैसे सूर्य उदय, अब जैसे कई सारे लोग जो सूर्य उदय के समय स्नान नहीं कर सकते, आप जैसे जैसे सूर्य उदय के समय से आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्नान निष्फल होता जाएगा। तो अगर आप माघ माह में स्नान करना चाहते हैं तो अगर आप जितनी जल्दी हो सके सूर्य उदय के आसपास ही इस स्नान को कर लें। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है स्नान कहाँ करा जाए, ऐसा बताया गया है तीर्थ आदि स्थानों में जैसे कि काशी है, प्रयाग है, प्रयागराज कुंभ जहाँ इस साल लगा हुआ है वहाँ स्नान करने का विशेष महत्व होता है, संगम है, गंगा नदी, इस तरह की नदियों में स्नान करने का विशेष पुण्य होता है ऐसा कहा जाता है। अशुभ में यज्ञ का फल प्राप्त होता है यदि आप इस तरह की नदियों में स्नान करते हैं तो। पर यदि आपसे संभव ना है तो अगर आप जैसे तीर्थ स्थान पर जाके स्नान नहीं कर सकते, अब जो लोग घर में स्नान कर रहे हैं उनको इस तरह का पुण्य कैसे प्राप्त होगा, आप जब भी घर में स्नान करें आप स्नान करते समय उन नदियों का नाम लें, जैसे हर हर गंगे इस तरह से कहते हुए स्नान करें। इसके अलावा यदि आपको कोई नदियों से जुड़ा हुआ कोई मंत्र आता है तो आप उसको बोलते हुए स्नान करें, इस तरह से उन नदियों में जो स्नान का पुण्य होता है वो आपको मिलता है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्नान अगर आप नदी में जाके करते हैं तो आपको किस तरह से करना चाहिए। यदि दोस्तों आप किसी तीर्थ स्थान पर नदियों में जाके स्नान कर रहे हैं तो जिस दिशा से नदी बह के आ रही है हमेशा उस तरफ मुंह रखिए। जब भी आप स्नान करें या डुबकी ले रहे हैं तो जिस तरह से नदी का वेग आता है, तेज़ी से बहती हुई नदी आ रही है, उस तरफ मुँह रख के आपको स्नान करना चाहिए। आपको तीन बार कम से कम पूरी की पूरी डुबकी पानी के अंदर लगानी चाहिए जब आप स्नान करें, और जब आप स्नान कर लें उसके पश्चात जिस दिशा में सूर्य का उदय है वहाँ पर आपको सूर्य को जल भी देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने घर में स्नान कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया तीर्थ स्थानों या फिर नदियों का नाम लेके आपको स्नान करना चाहिए, आप इस तरह से नाम ले सकते हैं, पुष्करादिनी तीर्थानी गंगाधा सरित स्तथा आगच्छन्तु पवित्राणी स्नान काले सदा मम हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्व के नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विधते अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तेता मोक्षदायिका गंगे च यमुने च
चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरूम, इस तरह उच्चारण कर सकते हैं आप। ये पानी किस तरह का आपको उपयोग में लाना चाहिए? ज़्यादातर लोग ऐसा बताते हैं कि आपको ठंडे पानी से एकदम स्नान करना चाहिए, जबकि ऐसा नियम बताया गया है कि यदि आपके घर में जो भी मिट्टी का बर्तन हो, मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी, अगर आप सुबह स्नान कर रहे हैं तो मिट्टी का बर्तन रात भर छत पर रखा रहे पानी से भरा हुआ और आप उस पानी से स्नान करें, और यदि आप शाम के समय स्नान कर रहे हैं तो सूरज की किरणों से गर्म किए हुए पानी से स्नान करना चाहिए। दोस्तों, मिट्टी की प्रकृति, अगर आप सबको पता होगा तो मिट्टी की जो प्रकृति होती है उसमें जो पानी होता है उसका टेम्परेचर हमेशा अलग होता है। जैसे अगर बाहर ठंडक है तो मिट्टी में रखा हुआ पानी थोड़ा सा कुनकुना रहेगा, और अगर बाहर गर्मी है तो मिट्टी का पानी ठंडा होता है। आप सभी अपने घरों में घड़े का उपयोग करते हैं तो बताइए, गर्मी में जब घड़े का पानी होता है वो ठंडा होता है ना? तो इसी तरह जब सर्दियों में मिट्टी के अंदर का जो पानी होता है या जो नवीन कुंभ, दोस्तों नए घड़े का जो पानी होता है वो थोड़ा सा गर्म होता है। तो ये नहीं है कि आपको एकदम ठंडे ठंडे पानी से स्नान करना है, आपको जल जो मिट्टी का बर्तन है उसमें रखा हुआ हो तो उससे स्नान करना है। पर यदि दोस्तों ये संभव नहीं है, बहुत सारे लोगों के घरों में आजकल छत नहीं होती है और इस तरह का रखा हुआ पानी नहीं होता है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार पानी लेके स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात दोस्तों आपको सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। जैसा अब आपको सभी को पता है कि सूर्य की संक्रांति मकर में हो चुकी है और सूर्य उत्तरायण में आ चुका है। उत्तरगामी जो सूर्य होता है दोस्तों, ये बहुत ही बलशाली सूर्य होता है। इसका पूजन करने से, सुबह के समय इस सूर्य को जल देने से आपके शरीर के रोग शोक कष्ट कई तरह की दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहा गया है यहाँ पे दोस्तों। दुख दारिद्र नाशाय श्री विष्णु स्तोषणाय च प्रातः स्नानम करो महम्य माघे पाप विनाशनम। और साथ ही साथ जब आप दोस्तों सूर्य को जल दे रहे हैं तब कहना चाहिए, सावित्रे पवित्रे च परम धाम जले मम त्व तेजसा परिभ्रष्टाम पापम यातु सहस्त्रधा। इस तरह कहते हुए दोस्तों आपको सूर्य को जल देना चाहिए। दोस्तों, माघ माह का स्नान किसे करना चाहिए? जो ब्रह्मचारी हैं, जो गृहस्थ हैं, जो वानप्रस्थ हैं, जो ऋषि मुनि हैं, सभी को माघ माह का स्नान करना चाहिए। स्त्रियों को, बच्चों को, पुरुषों को, सभी को। आपका कोई भी धर्म हो, आप वैश्य हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, किसी भी धर्म जाति के लोगों को माघ माह का स्नान करना उत्तम बताया गया है। दोस्तों, माघ माह में स्नान के साथ ही साथ जो लोग ब्राह्मणों का सेवा करते हैं उसे भी बहुत उत्तम बताया गया है, ऐसा कहा गया है। इस महीने में आपको निरंतर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण भोज कराने से आपके पुण्य में वृद्धि होती है। ब्राह्मणों को मृगचर्म यानी जो बैठने का आसन होता है वो देना चाहिए, उन्हें वस्त्र देने चाहिए, उन्हें जूते, धोती, छाता, कंबल इत्यादि जो भी चीज़ें उनके उपयोग की होती हैं, उपयोग की चीज़ों से मतलब है दोस्तों माघ माह में, वो आपको उन चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसे ही करते हुए दोस्तों जब माघ माह का स्नान आपका पूर्ण हो जाए, जब पूर्णिमा का दिन आए, उस दिन आपको ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। आपसे जितना संभव हो आप उतने ब्राह्मण बुलाएं अपने घर पे और उन्हें भोजन कराएं, यथासंभव आप उन्हें दक्षिणा या दान पुण्य भी दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों पूरे महीने में आपको शाकाहार का पालन करना चाहिए। कई लोग इस पूरे महीने में एक वक्त खाते हैं और बाकी दिन का उपवास रखते हैं। आपसे जो भी नियम का पालन हो पाए आप उस तरह से नियम का पालन करें, माघ माह में स्नान करें, दूसरों के प्रति बुरी भावना मत रखिए अपने मन में। साथ ही साथ अपने जीवन के कल्याण के लिए आप यहाँ पे कार्य ज़रूर करते रहिए। इस पूरे महीने में किए हुए पुण्य का विशेष फल होता है। इस तरह से जो भी इस व्यक्ति माघ माह का स्नान करता है उन्हें अश्वमेघ यज्ञ 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल का प्राप्ति होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी भाई बहन यहाँ पर माघ माह में स्नान ज़रूर करेंगे और इस पुण्य का अर्जन ज़रूर करेंगे। यदि दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, ये जानकारी पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। मेरे सभी वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट ज़रूर देखिए। आप सबका जीवन सुखदायी हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।